हेलो। 2 दिन स्पेंड करने के बाद रूम में फाइनली टाइम आ गया है हमारा यहाँ से अब जो कोस्टल रीजन है उसको एक्सप्लोर करने का, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का। और वो जगह है अमाल्फी। तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं अमाल्फी के लिए। जो अमाल्फी है वो एक कोस्टल रीजन है और थोड़ा सा हिल साइड एरियाज़ भी है, यू नो। तो यहाँ से हम ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं रोम से। एक स्टेशन है जिसको कहते हैं सलेर्नो, वहाँ से हम सलेर्नो तक की जर्नी हमको लगेगी अराउंड 3 घंटे। और फिर सलेर्नो से हम वेपोरिटो या वाटर टैक्सी कुछ भी जो होगा उसको पकड़ के हम जाएंगे अमाल्फी। नेक्स्ट 10 मिनट में हम निकलने वाले हैं, हमारी ट्रेन है 6:30 बजे। और फिर एज यूजुअल हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये इंटरसिटी, ये वाली है इंटरसिटी एक्सप्रेस, इससे जाएंगे हम सलेर्नो। इसमें हमने फर्स्ट क्लास का टिकट किया हुआ है जस्ट देखने के लिए कि कैसा है यहाँ का फर्स्ट क्लास। ये रीजनल नहीं है, ये इंटरसिटी एक्सप्रेस। देखते हैं कुछ खा सकते। फर्स्ट क्लास वाली फीलिंग आ रही है इसमें? फर्स्ट क्लास कुछ ऐसा है, ठीक ठाक है, लग तो नहीं रहा है। गए हैं ट्रेन स्टेशन जिसका नाम है सलेर्नो। यह है इंटरसिटी एक्सप्रेस जिससे आए थे, 3 घंटे लगे। सलेर्नो में आने के बाद हम लोग यहाँ से फेरी से जाएंगे, बस से नहीं जा रहे। बस 10 बजे है और हम आधा घंटा अभी भी, मतलब क्या बोलते हैं, तो आधे घंटे बाद बस है तो उससे पहले निकल जाएंगे। तो हम लोग ने जो लिया 5 लोगों का, हमको पर टिकट का पड़ा अराउंड 12 यूरोज फेरी का अमाल्फी कोस्ट तक। और वहाँ से फिर वो पोर्ट है, आप वहाँ पे आपका जिस हिसाब से होटल है, अगर दूर है तो वहाँ से आप बस भी पकड़ सकते हैं। और बस की टिकट आप यहीं से भी ले सकते हो सलेर्नो से, आपको आगे जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सलेर्नो। सलेर्नो अगर आपको अमाल्फी कोस्ट आना है तो ये सबसे नियरेस्ट, बहुत ईजीली रीचेबल है ये लोकेशन सलेर्नो अमाल्फी कोस्ट के लिए। क्रेजी जगह यार ये। याद रखिएगा, एक टिकट का आपको लगेगा 12 यूरो सलेर्नो से अमाल्फी कोस्ट के लिए। दो लेवल का फेरी है, नीचे और ऊपर। ऊपर थोड़ा खुला हुआ है, पूरा डेक है। हम आ गए हैं अमाल्फी और हमेशा की तरह बारिश इटली में ख़त्म ही नहीं हो रही है। हर जगह बारिश। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। यार ये पूरा कोस्टल एरिया ही बहुत ब्यूटीफुल है। लुक एट दिस, ये पूरी सिटी है अमाल्फी की। अंदर जाके थोड़ा अच्छा खासा एरिया है। हमने होटल लिया थोड़ा सा दूर, क्योंकि 1 महीने पहले किया था, 1.5 महीने पहले, तो हमको ये जगह पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। जैसे जैसे डेट्स क्लोज होता आ रही थी, अवेलेबिलिटी कम होती जा रही थी, तो
हम लोग ने क्या किया, यहाँ से जस्ट 2-3 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी पे हम लोग ने होटल लिया हुआ है। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है और वहाँ पे हमारा होटल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो जा नहीं सकते बिकॉज़ बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे एक बस पकड़ेंगे, फिर वो बेस तक जाएंगे, फिर वहाँ से हम चढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बसेस हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो शॉर्ट जर्नी के लिए बस से भी जाया जा सकता है। ओके, दिस द वन, हियर वी आर, वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। ओके, रेडी? यस। कहाँ बोला उसने यहाँ से? अच्छा, लेकर आ रहा है, वेट करते हैं। ओके, नाइस। ये वाला रियल भी हम लोगों ने लिया था booking.com से, एंड आई थिंक दो रूम इधर है। ओके, नाइस। ओके, eccoci qua. No, that's okay. That's okay. Anyway, yeah. Nice. Let's go. The last step, Okay. Okay, so this is with the balcony. Yes, yes, sir. Okay, below one was with the terrace, right? Yes, sir. Mm-hmm. Nice. Okay. The washroom's actually there. Crazy. And here is this. Okay, it's just the reverse. Of course, please. It's your house, at least for tonight. Thank you. So, Alessandro, you're from here? I was born in Naples because hospitals are here and there. Uh-huh. Maybe Salerno, maybe Naples, maybe Sorrento. Usually people, go there to hospitals. So. Okay. But I was raised here, so. You were raised here. This was our house. That's why it's called Amalfi Casa Mia. Casa Mia means my house. Oh, okay. We turned it 5 years ago into a bed and breakfast. Mm-hmm. That's it. Okay, nice. So all the keys are here on the side of the door. Okay, okay. Yeah. What else? Oh, if you don't want to move too much tonight by bus, we can also arrange a free shuttle to a restaurant. Okay. Any of the 5 or 6 restaurants we can choose from. The majority of places on the coast have 2. They split in half. Okay. So every village is split in half because there's a road that goes down. Okay. That follows the coast and the road that goes up, up the hills. Okay. You see that shuttle over there, right? White and blue? Uh-huh. That's the airport shuttle. That's the airport shuttle. Once every 3 hours. So okay. I would say it's pretty easy to take it to take you to Naples by that. Okay. Even if you're staying around the coast for the next few days, mm-hmm. you can book it from the center of Amalfi. Mm-hmm. And so you just take it from the center of Amalfi to Naples in 2 hours. Okay. Okay. The other option would be taking a bus to Salerno, train to Naples, and then a bus from the train station to the airport. Okay. Okay. Pretty tricky. Otherwise, it's just a private driver for 160 euros takes you to the airport. Driver. And usually these shuttles, how much do they take for? 20 euros per person. Per person. I think that makes sense, right? Thanks, Alessandro. Ah, you're welcome. Yeah, you're welcome. तो अमालफी में हम लोग ने BnB ही किया है, booking.com से किया, और इसमें इस BnB में
तीन रूम लिए हमने, जिसमें से दो रूम जो है वो बैल्कनी के साथ है विद सी व्यू, और एक रूम जो है वो है टेरेस के साथ, एक ये लंबा सा टेरेस मिल जाता है, लेकिन जो बैल्कनी वाला व्यू है वहाँ से ज़्यादा बेटर व्यू आता है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर है, उधर आगे वो नहीं है, लेकिन अल्टीमेट जगह है। तो यहाँ से जो अमालफी है वो 3 किलोमीटर है, तो हमको अप एंड डाउन ही करना पड़ेगा, और ये एक हिल साइड है पूरा, तो आने जाने में टाइम तो लग जाएगा हम लोग को। और यहाँ पे एक चीज़ है, हर एक होटल और कैफ़े के लिए कोई ना कोई फ्री शटल ज़रूर अवेलेबल है, या फिर बसेस अवेलेबल है, जिसमें आप यू नो 1 से 1.5 यूरोज़ या 2 यूरोज़ मैक्सिमम तक देकर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी यू नो टूरिस्टिक जगह है ये वाली, तो आपको इधर उधर जाने की के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस के लिए या शटल के लिए, अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे यहाँ से। यहाँ पे टॉवल्स वगैरह एंड एसेंस के लिए, ये है चिमनी जो कि ब्लॉक्ड है अभी, एक मिरर, बेड काफ़ी यू नो अच्छा है, एम्बियंस वगैरह एकदम मस्त है। और ये हो गया आपका ओके, नो स्मोकिंग का बोर्ड, और ये है बाथरूम, ठीक है काफ़ी स्पेशियस है, वो है टॉयलेट, और ये है बीडे, एंड यहाँ पे क्या कह दिया इन्होंने, यहाँ पे कप ग्लास, और ये शॉवर जेल, ये है शॉवर कैप, अच्छा काफ़ी अच्छा, नीट है, क्लीन है, ये चीज़ है। मैंने अभी तक यहाँ पे जितने भी PNP देखे हैं इटली में, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और जो इनका तरीका होता है ना उसको प्रेजेंट करने का, इट्स फेब्यूलस। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह पे हम लोग को Airbnb में जो भी यू नो जो चीज़ें हैं, जैसे पानी का टैप हो गया, शॉवर हो गया, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ना उतना अच्छे से फंक्शनल नहीं था, बट बाकी यू नो प्रेजेंटेशन में ये लोग नंबर वन है अभी तक का, जो Airbnb मैंने अभी तक देखे हैं, क्लीन होता है, नीट होता है, वही सबसे बड़ी बात है। अब करते हैं बात यहाँ के कॉस्ट की, इस होटल का कॉस्ट कितना है। इसका थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, अमालफी है एक्सपेंसिव, क्योंकि हम जितना सिटी के पास जा रहे थे उतना और एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो इसका पड़ा हमको एक नाइट का 3 रूम मिला के, जिसमें से आप 6 लोग आराम से रह सकते हो, क्योंकि बस हर एक की कैपेसिटी होती है, एक रूम में 2 लोग तो आ ही जाते हैं। तो उस हिसाब से हमको पड़ा अराउंड 47,000, यानी कि यू नो आपको एक रूम अराउंड पड़ जाता है अराउंड आई थिंक 15,000 के आसपास आप मान के चलो। तो ये होता है एक रूम का कॉस्ट, तो है एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अमालफी जाओगे तो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऊपर से यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है, हॉस्टल्स यहाँ पर नहीं है, भले ही आपको दिख जाएंगे नेट पे हॉस्टल्स, लेकिन जब आप यू नो उसका प्राइस देखने के लिए जाओगे तो उसका प्राइस आ जाता है समवेयर अराउंड लाइक यू नो 100 यूरोज़ 200 यूरोज़, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बैकपैकर्स हॉस्टल बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे हो सकता है उसमें अवेलेबिलिटी ना मिले आपको, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाए नॉर्मल जगह पे, जो हॉस्टल्स के जो रेट्स होते हैं यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, एंड थोड़ी एक्सपेंसिव जगह है अमालफी। तो अगर आप 1-2 दिन रुक रहे हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप स्पेंड करते हो टाइम अमालफी में, तो आपका बजट आप थोड़ा सा हायर साइड में जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे आने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न होना बहुत ज़रूरी, बेस्ट सीज़न में आना बहुत ज़रूरी है। अब हम तो आए थे यही सोच के कि अप्रैल सही टाइम रहता है, यूजुअली अप्रैल सही टाइम रहता है, इट्स अ बिगनिंग ऑफ द समर, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है, तो यू नो ऐसी टाइम में थोड़ी बहुत यू नो दिक्कत आ जाती है, बट देन ठीक है। आप अगर इटली में प्लान कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मई और जून ऑनवर्ड्स प्लान करो, या मई में करो या जून में करो या जुलाई में करो, ये जो 2-3 महीने का स्पैन होता है ये सबसे बड़ा बेटर होता है मेरे हिसाब से। आप अगर जून जुलाई के पास पास आ रहे हो तो आपको जो दिन होता है, जो सनसेट होता है यहाँ पे, वो 9:30-9:30 के आसपास मिलेगा, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी इटली में अभी अप्रैल का टाइम है, ठीक है, ऑलमोस्ट एंड हो गया है अप्रैल, तो यहाँ पे जो सनसेट का टाइम है वो अराउंड 8:30 के आसपास होता है इटली में, अभी फ़िलहाल चल रहा है 2024 में। फ़िलहाल के लिए ये है हमारा अमालफी, बाकी मैं आपको बताता हूँ अपने यू नो नेक्स्ट वीडियो में कि हम कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं अमालफी में। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।